इस एग्जाम्पल में ये बोल रहा है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल्स इफ इट इज ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, एक पार्टिकल जो वन डायमेंशनल मोशन में चल रहा है तो उसकी कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है इसमें, और आपको ये बताना है और रीजन भी देना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें ए पार्ट में ये बोल रहा है विद जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ये बोल रहा है अगर किसी एक इंस्टेंट की पर्टिकुलर टाइम की बात करें, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, अगर हम लोग वहां पे अगर किसी पार्टिकल की स्पीड क्या है जीरो, क्या वहां पे ये पॉसिबल है कि उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। आपने लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हम किसी किसी भी बॉल को या किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ये पार्टिकल जाता है अप टू मैक्सिमम हाइट और फिर से वापस आ जाता है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। मगर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है? जी के बराबर। तो ये चीज पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ऑप्शन ए इज ट्रू, मतलब अगर स्पीड क्या है जीरो है विद जीरो स्पीड एंड इंस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकती है, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी पार्ट में क्या बोल रहा है विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। इसके कहने का मतलब है कि अगर स्पीड कितनी है किसी पार्टिकल की किसी टाइम पे, अगर उसकी स्पीड जीरो है, क्या ये पॉसिबल है कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल की, क्योंकि वेलोसिटी में तो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो डायरेक्शन तभी चेंज हो पाएगी अगर कोई चीज चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकल अगर मोशन में है, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल अगर बच्चे मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर स्पीड जीरो नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी होगी? जीरो। अगर स्पीड जीरो है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? जीरो। तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास? फॉल्स। ऑप्शन बी इज फॉल्स, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, इट इज नॉट पॉसिबल। ये फॉल्स आ गया, ये आ गया आपके पास फर्स्ट ट्रू। थर्ड ऑप्शन में ये बोल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अगर कहीं पे स्पीड कांस्टेंट है, क्या वहां पे ये पॉसिबल है कि वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आए आपके पास? जीरो। अगर आप लोग रिकॉल करो तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें हम लोग, तो यूनिफॉर्म सी पार्ट में देखेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल इस तरह से चल रहा है सर्कुलर मोशन, मान लो इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड सॉरी वो क्या है? कॉन्स्टेंट। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास? स्पीड। मतलब यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या लिया आपने? कॉन्स्टेंट। मगर अगर आप लोग यहाँ ध्यान दो, अगर पार्टिकल इस पोजिशन पे है तो इस टाइम पे अगर इसकी मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट ड्रा करके मिलेगा इस इंस्टेंट पे, इस पॉइंट पे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ये आ जाएगी, इस पॉइंट पे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दें, यहाँ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर या अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है, पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है, या कोई भी इन दोनों में से चीज अगर चेंज हो, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या बोथ, तो पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है?
चेंज हो रही है, देखो किसी चीज वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन तभी पॉसिबल होगी कोई फोर्स लग रही होगी, विदाउट फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे कोई फोर्स है और उसको हम बोलते भी है सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता है। तो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और एनालाइज करें हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन को लेके, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो आपके पास एक्सेलरेशन रहती है, यहाँ पे दो तरह की एक्सेलरेशन होगी आपके पास, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और दूसरी नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, देखो अगर कोई चीज जिस डायरेक्शन में चल रही है अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए, मगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, तो इस केस में जो इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितनी है, जीरो। मगर अगर आप लोग देखो ध्यान से तो इसको 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 जाना था इधर, मगर ये बेंड हो गया तो इसकी तरफ कोई फोर्स लग रही होगी सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे इसको एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा ये क्या है, फॉल्स। ऑप्शन सी इज फॉल्स। अब लास्ट में डी पार्ट में ये बोल रहा है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, मस्ट बी स्पीडिंग अप, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की स्पीड हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। इसको भी एनालाइज करते हैं हम लोग, ये बोल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखें कैसे, मान लीजिए अगर मैं कोई एक डायरेक्शन लूं, ये एक डायरेक्शन ले ले हम लोग, कि मैंने एक्स डायरेक्शन ले ली और मैं यहाँ पे ये मान रहा हूं कि इस एक्स डायरेक्शन में अगर एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है और इसकी स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, स्पीड इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे मैं जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ले रहा हूँ ए, वो भी इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, वो कितनी है, वो भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो इसको हेल्प करेगा। तो मैंने आपको बताया है एक्सेलरेशन होता क्या है, किसी चीज एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, धकेलना। अगर कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में चल रहा है और आप उसी डायरेक्शन में उसको धकेल रहे हो तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये वाला केस हो गया आपके पास स्पीडिंग अप वाला, स्पीडिंग अप। अब सेम यही चीज लेते हैं हम लोग, अब पार्टिकल को दूसरी डायरेक्शन में चलाएंगे, मान लीजिए ये आपके पास आ गई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिया आप लोगों ने, एक्स डायरेक्शन है और ही पॉजिटिव हम मानते हैं इसको, साइन कन्वेंशन ली हुई हमने। तो मान लो अब पार्टिकल जो है बच्चे वो इस तरफ चल रहा है विद वेलोसिटी वी, और यहाँ पे जो मैंने एक्सेलरेशन ली हुई है वो इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव ली है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ली है, और जो पार्टिकल है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर कोई पार्टिकल, एक्सेलरेशन का क्या मतलब बताया मैंने आपको, धकेलना, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है और उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको धकेलोगे तो ऑब्वियस है कि उसकी क्या हो जाएगी, जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, फॉल्स।